हेलो, आप देख रहे हैं यूपीएससी स्पॉट और इस वीडियो में आपको बताऊंगा द डे ब्रॉगली रिलेशन के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई की थोड़ी मदद कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना और बाकी के सारे वीडियोस भी देख लो, मज़े आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो देखने की द डे ब्रॉगली रिलेशन कहता क्या है, ठीक है। एज डे ब्रॉगली स्टेटेड दैट लाइट हैज़ टू कैरेक्टर्स, पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर। जैसा कि डे ब्रॉगली ने अपना थ्योरी दिया था, अपना रिलेशन दिया था कि लाइट के दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है उसका पार्टिकल कैरेक्टर, दूसरा होता है उसका वेव कैरेक्टर, ठीक है। एक है पार्टिकल कैरेक्टर, दूसरा है वेव कैरेक्टर। तो ये जो थ्योरी है ये डे ब्रॉगली ने ही दिया था। तो अब इसका रिलेशन उन्होंने कैसे निकाला और वो देखा जाए। सो इफ़ वी कंसिडर फोटोन हैविंग वेव कैरेक्टर, तो अगर हम लोग मतलब कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि फोटोन जो कि लाइट का पार्टिकल है उसका वेव कैरेक्टर है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ये इक्वेशन आएगा जो कि यहाँ है, तो जिसे हम लोग इक्वेशन वन बोले हैं, जहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसका उसका नाम कुछ इस तरह है। एच को हम लोग प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, और यहाँ इसको फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव पार्टिकल। हम लोग जानते हैं वी मतलब वेलोसिटी होता है मेनली, पर यहाँ पर हम लोग मतलब वेव का तो उसको स्पीड नहीं, वेलोसिटी नहीं होगा, वेव का तो फ्रीक्वेंसी होता है, दैट्स वाई वी हैव रिटन योर फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं इफ़ वी कंसिडर फोटोन हैविंग पार्टिकल नेचर। अगर हम अब सोचते हैं फोटोन पार्टिकल नेचर का है, अब वेव नेचर से पूरा अलग हटके फोटोन पार्टिकल नेचर का है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन आएगा इक्वल्स एमसी स्क्वायर, जिसको हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन दिए जिसका वैल्यू यहाँ पे मतलब कौन सा क्या स्टेट करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट दिस इक्वेशन, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, जहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वी इक्वल्स सी बाई ए, फिर यहाँ पे ये यह होगा इसका इक्वेशन, फिर फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेसिंग वेलोसिटी सी एज वी, वी गेट दिस फाइनल इक्वेशन, जहाँ पे लीनियर मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम वी होता है, तो हम लोग एम वी की जगह पी डाल देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है। तो यही है डी ब्रॉगली रिलेशन। एक बार आप इसे गौर से ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं फॉर द यूज़। मैं स्लोली स्लोली से नीचे करते जाऊंगा और आप देखते जाइए। सो यही है डी ब्रॉगली रिलेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करिए और सब अच्छे तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।